ननद बड़ी हो या छोटी, जितना भाई भाभी के जीवन में कम उसका इंटरफेरेंस हो ना उतना ठीक रहता है। मुझे लगा था मेरी वाली तो शादीशुदा है, कितना ही बोलेगी, पर नहीं, मेरे को घर कैसे संभालना है ऐसे लेकर, उनके मम्मी पापा को कैसे रखना है सब उन्हीं को परफेक्टली पता है। हर बात पे कहेगी भाभी ऐसे नहीं वैसे कर लेती, गर्मी की छुट्टी होती नहीं है और आ जाती है यहाँ पे रहने, और जब तक खत्म नहीं होती तब तक यहीं रहती है। चलो ठीक है आप बेटी हो घर की आओगी, पर क्या भाभी को मायके नहीं जाना होता है? फिर कहेंगी भाभी थोड़ा ना मायके का मुँह कम रखो। क्यों भाई, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं, और पूरा टाइम बोलती रहेगी मैं आई नहीं और भाभी का मुंह बन गया। हाँ बनेगा ही ना, मेरी अच्छी भली जिंदगी चल रही होती है और तुम आते ही झंड कर देती हो, जहां मेरी सास को मेरे काम से कोई दिक्कत नहीं होती, तुम्हारे आते ही हर काम में 100 गलतियां निकालने लग जाती है। मेरा पति अगर खुद उठ के पानी भी ले लेना तो कहेंगे अरे वाह मेरा भाई चोरू का गुलाम बन गया, खुद तो अपने सास ससुर को रखना नहीं चाहती है, और मुझे लेक्चर पिलाती रहेंगे कि सास ससुर की सेवा करना कैसे मेरा धर्म है। और फिर इतना सब होने के बाद भी कहेंगे भाभी तुम लकी हो जो तुमको मेरी जैसी ननद मिली। बहू बेटी जैसी तो शादी के पहले होती है, शादी के बाद तो वो हो जाती है भड़काऊ बदतमीज और काम चोर। मुझे लगा था शादी के पहले इतनी इज्जत देते हैं मेरी लाइफ तो सेट होगी शादी के बाद, पर मुझे क्या पता था उसकी वैलिडिटी इतनी छोटी होगी। बेटा कुछ भी करे हमेशा इल्जाम मुझ पर ही थोपा जाता है, इनके बेटे ने चिड़के बात करी पक्का इसने दिमाग खराब किया होगा, इनके बेटे ने इनसे बात नहीं करी पक्का इसने मना किया होगा, बेटे ने इन पे चिल्लाया पक्का इसने झाड़ू टोड़ा किया। अरे जहाँ इनका बेटा पहले इतना इनको इतना इग्नोर करता था, अब अपने रूम में घुस जाए ना तो ऐसे बोलेंगे हमारे बेटे को जोरू को गुलाम बना। अरे अगर मेरे मायके मेरे साथ चले जाए ना तो घर में ऐसा कलेश हो जाता है जैसे मैंने इनके बेटे को इनसे अलग ही कर दिया। और फिर कहती रहती है दामाद को ससुराल कम जाना चाहिए, इज्जत बनी रहती है। अरे इस लॉजिक से तो मुझे भी अपने ससुराल में नहीं रहना चाहिए। बाय गॉड मन में जितनी बातें अगर उनको बोल दूं ना तो उनको समझ में आ जाए। हाँ।